हाय एवरीवन गाइस, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस आप लोग गाइस मेरा स्माइल देख के पता चल ही गया इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। देखो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो एकदम प्रोफेशनल तरीके से। सो यार, आप सभी लोग मेरे को बोलते हो भाई तुमने मेरे को लोगो बनाना सिखाया, तुमने मेरे को चैनल बनाना सिखाया, तुमने वीडियो भी अपलोड करना सिखाया, लेकिन तुमने मेरे को ये नहीं सिखाया कैसे एक वीडियोस को एडिट किया जाता है। सो यार मैंने सोचा, हाँ यार मैंने तो इस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किया, तो मेरे को ये याद आ गया, देन मैं इस वीडियो को बनाने में बैठ गया। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप प्रोफेशनल तरीके से अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, नो झमेला, कुछ नहीं होगा, जो कि आपका भाई आप लोगों को समझाएगा एकदम बारीकी से, जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, एक वीडियोस को वायरल करने में, एक वीडियोस को मतलब उसको बूस्ट दिलाने में सबसे पहले मेन रोल प्ले करता है हमारे वीडियोस का एडिट। माई सबसे पहले तो हमारा थंबनेल काम करता है, उसके बाद हमारा वीडियोस के अंदर आप लोग कैसे एडिट किया उसको अच्छे तरीके से, तो ही तो आपका लोग वीडियो देखेगा ना प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोग वीडियो एडिट करना है बेकार है तो आपके वीडियोस कोई देखने वाला है नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वीडियोस को अच्छे तरीके से एडिट करना है, जो कि आप सभी लोगों को मैं समझाऊंगा, ए टू जेड समझाऊंगा। अगर आप लोग जीरो भी नॉलेज है आपको एडिटिंग के बारे में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को गाइस पूरे समझ में आ जाएगा, आप लोग एकदम प्रोफेशनल एडिटर बन जाओगे। ये गाइस आप लोग मेरा बात सुनकर नहीं बिलीव नहीं कर सकते हो, आप लोग इस वीडियो को देखो उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पे विश्वास होएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक देखो, क्योंकि गाइस मैंने देखा बहुत सारे बंदे गाइस 3-4-4-5-6 घंटा का मूवी वगैरह देखता है, वो सब देखना बंद करो एंड अपने लाइफ पे कुछ करो, पैसा कमाओ। गाइस आप लोग क्या करना, यूट्यूब चैनल बनाओ, आप लोग देखो मेरा चैनल पे जाके देखना, प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया कैसे अपने यूट्यूब चैनल बनाया जाता है, जीमेल बनाया जाता है, कैसे लोगो बनाया जाता है, थंबनेल वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ मैंने सिखा रहा हूँ उस प्लेलिस्ट के अंदर। मतलब फ्री कोर्स एकदम सेल कर रहा हूँ, कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूँ आपका भाई, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर भाई कोर्स सेल करके पैसा लेता है, 20,000-30,000-40,000 रुपये करके कोर्स सेल करता है। तो आपका भाई ऐसा नहीं करेगा, आपका भाई आप लोगों को फ्री में सिखाएगा जैसे सिखाते आ रहा है। तो अभी आपको सिखाऊंगा कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हो एंड कौन से आपसे करना है वो भी सिखाऊंगा। तो चलो गाइस ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आपको सिखाता हूँ कैसे एक प्रो लेवल का एडिटर आप बन सकते हो मोबाइल फ़ोन से एकदम तगड़ा तरीके से। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी मजदूरी के। चलो आपको सबसे पहले एक आइनमास्टर को डाउनलोड करना होगा। सो जितना भी सारा प्लेयर्स मतलब जितना भी सारा ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हो सबको मैं बोलूँगा आपको सबसे पहले काइनमास्टर को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि गाइस काइनमास्टर मेरा फेवरेट है, जो कि मैं आज से 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। सो यार आप लोग काइनमास्टर को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको वाटर मार्क देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग गूगल से जाकर डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा। सो यार गूगल से कैसे डाउनलोड करोगे, आप लोग गूगल में जाओ एंड वहाँ पर लिखो काइनमास्टर मोड एपीके या फिर देखो फ्री वर्जन, तो आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ पर डाउनलोड कर लेना। देन आप लोग डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ काइनमास्टर का कुछ इस तरह का सा इंटरफेस आ जाएगा एंड मैं अभी आप लोगों को काइनमास्टर का 2-3 सेटिंग्स बताऊंगा, उसके बाद आपको एडिट करना सिखाऊंगा, नहीं तो आपका वीडियो एडिट नहीं होगा, बाद में आप लोग को प्रॉब्लम आएगा और बाद में आप लोग मेरा वीडियोज़ के अंदर आके कमेंट करोगे भाई तुम जो बोला था वो मैंने किया था लेकिन मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया, मतलब वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, काइनमास्टर को ओपन करने के बाद ऊपर आप लोगों को देख रहे हो सेटिंग्स का बटन, आप लोग सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। देन देख सकते हो आपके सामने कुछ सारों के सारे यहाँ पे सेटिंग्स आ चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले डिवाइस परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। देन आपको सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग क्या करना सबसे पहले ये चीज़ अगर नहीं करोगे तो आपके भाई वीडियो एडिट करके गई कोई भी फायदा नहीं होगा, बाद में आपका वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, बाद में आपका वीडियो इसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा, जो कि बाद में आप लोग अगर ऐसा को होता है तो आप लोग एडिट करने में मन ही नहीं करेगा। सो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो नीचे लिखा है एनालिसिस डिवाइस परफॉर्मेंस, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे क्या करना रन पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे मतलब फ़ोन के ऊपर गाइस आप लोगों को ये बार देख सकते हो 144.40p सपोर्ट हो जाएगा। देन गाइस ये करने के बाद आपके सामने और कुछ नहीं करना। सो यहाँ पे आपको सब कुछ कंप्लीट हमारा सेटिंग एक सी सेटिंग था। देन अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको एडिट करना है। सो अगर आप लोग न्यू एकदम एडिटर हो तो आपको गाइस ये वीडियो एंड तक बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एकदम जीरो से लेकर एकदम जेड तक आपको सब कुछ सिखाऊंगा एंड अगर आप लोग इस वीडियो को एक पार्ट स्किप कर दिया तो आपको गाइस एडिटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा नहीं गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस आप सभी लोगों को बताएं अगर आप लोग एक मैथ में कुछ चीज़ गलत कर देते हो तो आपका बाद में पूरा मैथ ही खराब हो जाता है, मतलब पूरा चीज़ खराब हो गया, तो आपको सब कुछ ठीक करना होता है, बाद में उसका आंसर सही निकलता है। तो आप लोग भी काइनमास्टर के अंदर मैं जो जो सिखाऊंगा आप लोग ध्यान से देखना, नहीं तो आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम आएगा।
सो देख सकते हो यहाँ पे जो हम लोगों को मुकुट देखने को मिला इसको भी अगर क्लिक किया देख सकते हो हमारा जो काइन मास्टर है मतलब वाटरमार्क रिमूव है, क्योंकि गाइस ये चोरी का माल है, मतलब गाइस चोरी का काइन मास्टर है, ठीक है, क्योंकि हम पैसे से नहीं खरीदा इसका। सो आप लोगों को सबसे पहले देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना होगा, इधर देख सकते हो न्यू प्रोजेक्ट, आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करनी होगी। ओके, सो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो बहुत सारे इंटरफेस आ चुका है, आपको कुछ नहीं करना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, आपको देख सकते हो आपको यहाँ पे यूट्यूब का साइज़ मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का रील्स का साइज़ मिल जाएगा, उसके बाद इंस्टाग्राम का साइज़ मिल जाएगा, उसके बाद हमारा वीडियोज़ का साइज़ मिल जाएगा, उसके बाद फेसबुक का, बहुत सारे इंस्टाग्राम ये मूवीज़ का साइज़ मिल जाएगा। तो आप लोग अगर मूवीज़ वगैरह एडिट करना चाहते हो तो आप लोग को ये सिलेक्ट करनी होगी। देन अगर आप YouTube वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आपको YouTube वाला रेशियो सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप Instagram रील्स बनाना चाहते हो तो आपको ये वाला क्लिक करनी होगा। अगर मतलब जो भी आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग उसके हिसाब से साइज़ को क्लिक करनी होगी। सो यहाँ पे मैं YouTube वीडियो एडिट करके आपको दिखाऊंगा। एंड सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 16:9 पे क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पे आप लोग अपने जो प्रोजेक्ट होगा ना उस प्रोजेक्ट का आप लोग नाम यहाँ पे दे सकते हो। लाइक मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम देखूंगा how to edit YouTube videos। ओके, सो गाइज देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है गाइज हाउ टू मेक यहाँ पे मैं लिखूंगा हाउ टू एडिट YouTube videos, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले YouTube वाला रेशियो का क्लिक करेंगे। देन गाइज आपसे को सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो नीचे लिखा है क्रिएट, सो मैं क्रिएट पे और क्लिक कर दूंगा। सो देखो क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। एंड ईशान भाई आप भी देखो, क्योंकि मैं इस बच्चे को सिखा रहा हूँ तो आपके सामने गाइस देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करनी होगी, सबसे पहले जो भी वीडियो एडिट करोगे तो आपको उस वीडियो का यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। सो लाइक अगर मैं मानो इस वीडियो को मैं एडिट करूँगा, रुका एक सेकंड, तो यहाँ पे मैं लाइक मैं इस वीडियो का यहाँ पे एडिट करूँगा, मतलब जो मैंने वीडियोस मतलब बनाया। तो आपको सबसे पहले क्या करनी होगी, देखो यहाँ पे तो हमारा वीडियोस आ चुका है पूरा प्रॉपर तरीके से, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करनी होगी। तो यहाँ पे मैं बेसिक से सब कुछ समझाऊंगा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ समझाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सोचो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पे सबसे पहले आता है रिप्लेस, तो अगर आप लोग रिप्लेस करोगे तो आपका ये जो वीडियो है ये वीडियो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई वीडियो ऐड किया तो ये वीडियो हटके वो वाला वीडियो आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है ये, आपको समझ में आ गया। तो देन आप लोग देख सकते हो साइड में है ट्रिम, सो ट्रिम क्या चीज़ है ये तो सबको पता होगा। लाइक देखो यहाँ पे लिखा है एक कैची का ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप लोग ऐसे सोच गया यार मतलब काटने वाला चीज़ है। तो मान लो गाइस ये हमारा वीडियो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस वीडियो के अंदर, यहाँ तक मैं देखो यहाँ पे मैं शुरू किया, मान लो हाँ यहाँ से मैंने सो गाइस शुरू किया, तो हमको इसे यहाँ पे काटना होगा। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, देन कैची पे क्लिक किया, एंड कैची पे गाइस बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको ये समझना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो ट्रिम लिफ्ट, मतलब अगर आप लोग ये वाला क्लिक करोगे तो आपका जो ये वाला पार्ट होगा ना साइड वाला, इस पार्ट मतलब ट्रिम हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। लाइक अगर मैं इसको ऊपर क्लिक किया, देखो वो वाला पार्ट डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो पार्ट डिलीट हो चुका है। देन इसके ऊपर फिर से मैं क्लिक किया, ट्रिम पे क्लिक किया, देन देखो अगर मैं ये ट्रिम राइट वाला सिलेक्ट करूँगा तो राइट साइड का जितना भी एरिया है, मतलब जितना भी मतलब एरिया है, सारे का सारे पार्ट डिलीट हो जाएगा। लाइक देखो अगर मैं यहाँ पे इस सारे के सारे पार्ट को डिलीट करूँगा, ठीक है, इस सारे के सारे पार्ट को डिलीट करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ डिलीट करूँगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, देन कैची पे क्लिक करूँगा, तो ट्रिम पे क्लिक कर दिया राइट पे। देखो गाइस यहाँ पे हमारा सारे के सारे पार्ट यहाँ पे हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो एकदम बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर देख सकते हो रिकवरी करने का चीज़ है, फिर से इधर क्लिक किया, अगर कोई गलती हुआ तो आप लोग इसको फिर से पहले जैसा लेकर आ सकते हो, मतलब रिकवर कर सकते हो। देन गाइस जैसे यहाँ पे मैं कैची पे और एक चीज़ समझा देता हूँ, देख सकते हो स्प्लिट, अगर आप लोग स्प्लिट करोगे, अगर मान लो आपका वीडियो यहाँ पे आप लोग सही से बोल रहे हो, ठीक है, एंड यहाँ पे आके आप कुछ गलत बोल रहे हो, उसके बाद आप लोग यहाँ से सही बोल रहे हो, मतलब बीच में आप लोगों का गलत चीज़ बोला हुआ है, आप मतलब बीच में आप गलत चीज़ बोल दिया है, तो आपको क्या करनी होगी, सबसे पहले जहाँ पे यहाँ पे गलत किया, मान लो यहाँ पे मैंने गलत किया, मतलब गलत कुछ बोला, तो मैं क्या करूँगा इसका थोड़ा सा आके यहाँ पे स्प्लिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैंने तो गाइस क्या किया था, जहाँ पे मैंने ख़राब चीज़ बोला था उसका सामने में ट्रिम कर दिया, देन यहाँ पे मैं यहाँ तक लेकर मैं यहाँ तक ख़राब बोला, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर से स्प्लिट करूँगा, तो देख सकते हो यहाँ वो चीज़ यहाँ पे हमारा डिवाइड हो चुका है, मतलब भाग हो चुका है। देखो यहाँ पे एक पार्ट, दो पार्ट एंड बीच में तीन पार्ट। तो मैं क्या करूँगा, बीच वाला जो अगर अच्छा पार्ट नहीं है तो मैं उसको ऐसे जूम करूँगा दो हाथ से ड्रैग करके,
देन ये पार्ट मेरा ख़राब है तो इसको मैं डिलीट कर दिया। तो सिंपल सा फंडा है। देन आप लोग क्या करना, कैची में जाना फिर से, एंड आप लोग अगर ये चीज़ करोगे, ठीक है, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रिजेस फ्रेम, अगर आप लोग यह चीज़ करोगे तो आपका 20 पे वाला जो जहाँ पे आप लोग स्प्लिट करोगे वो आके एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा, मतलब फोटो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको नहीं दिखाऊंगा। तो देन आप लोग क्या करना, फिर से यहाँ पे वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना, देन देख सकते हो ये हमारा किची का काम मैं आपको समझा दिया। देन आप लोग देख सकते हो ये वाला बटन, ठीक है, तो ये वाला बटन कुछ ना काम का नहीं है तो इसके ऊपर मैं समझाऊंगा नहीं। देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है मिक्सर, तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करना, और आप लोग इसको देखने के बाद समझ ही चुका हो क्योंकि इसके अंदर देखो वॉल्यूम का ऑप्शन, तो देख सकते हो। सबसे पहले ये वाला समझाता हूँ, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा गाइस, हमारा जो वीडियोस का वॉइस, मतलब मेरा वीडियोस का वॉइस 100% है, तो आप क्या कर सकते हो इसको इंक्रीज करके 200 कर सकते हो। अगर आपका वीडियोस के अंदर आप धीरे धीरे से बोला तो आप इसको क्या कर सकते हो 200 में कर दोगे तो आपका वीडियो लाउड हो जाएगा। एंड गाइस मैं इसको 100 पे ही रह देता हूँ, नहीं तो मैं कभी कभी टाइम में क्या करता हूँ 150 में दे देता हूँ। देन आप लोग देख सकते हो ऊपर लिखा है ये जो साउंड का बटन देख रहे हो, इसको अगर आप लोग क्लिक किया तो ये एकदम म्यूट हो जाएगा, मतलब कोई भी साउंड नहीं होगा, तो मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ। तो ये वाइस देख सकते हो इसका काम होता है ये, मतलब और कुछ नहीं। देन ऑटो अगर वॉल्यूम ऑन कर दोगे तो आपका वीडियोस का साउंड और भी लाउड होगा। देन अगर आप लोग ये जब एडजस्ट करोगे, मतलब ये जब अगर ये पे करोगे तो अगर ये पे करोगे, मतलब आप लोग सोच रहे हो ना, ये चीज़ अगर मतलब आपने सिर्फ लेफ्ट पे किया, ये लेफ्ट पे किया, तो आपका जो वीडियोस का वॉइस वो सिर्फ आपका कान के लेफ्ट में सुनाई देगा हेडफोन के अंदर, एंड राइट पे सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए गाइस एक कान में हमको लेफ्ट रखना होगा, एक कान में हमको राइट में रखना होगा, ये हेडफोन का हेडफोन में यूज़ होता है, ठीक है, ये आपका वीडियोस के अंदर मतलब मोबाइल के अंदर समझ में नहीं पाओगे आप, आपका साउंड कौन सा कान में जा रहा है कौन सा कान में जा रहा है, आप हेडफोन जब यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा। एंड पिच क्या होता है गाइस, पिच होता है अगर आप लोग पिच को बढ़ा दोगे तो आपका वीडियो का बच्चों का जैसा आवाज़ होगा, लाइक गाइस देखा आपने फ्री फायर के अंदर राइस्टर का वॉइस होता है पिच का आवाज़, तो अगर आपको इसको कम कर दोगे तो बुरे का आवाज़ होगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। देन गाइस हमारा जो वॉल्यूम का जो काम होता है वो ख़त्म हो चुका है, जो आपको मैं पूरा तरीके से समझा दिया, एंड वॉल्यूम में यहाँ पे 150 रख दिया, ओके। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो स्पीड, एंड स्पीड क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अगर देखो मेरे को लाइक इस पार्ट को मेरे को स्पीड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करके, स्पीड के ऊपर क्लिक करके मेरे को यहाँ पे 2x 3x जितना भी x आप लोग कर सकते हो, देखो गाइस यहाँ पे आप लोग 9x या बहुत सारा मतलब जितना स्पीड कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मान लो मैं यहाँ पे 2x कर देता हूँ, ठीक है, तो लाइक देखो यहाँ पे 2x आ जा क्योंकि मेरे को 2x से ज़्यादा पसंद नहीं आता है, सो यहाँ पे मान लो ये 2x हमारा, तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया, देन ओके। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा स्पीड हो चुका है, देखो कितना जोर से हाथ हिला रहा है, देखा, तो हमारा स्पीड का काम यही होता है। देन आप लोग फिर से स्पीड पे जाना, एंड यहाँ पे देख सकते हो म्यूट ऑडियो, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो वीडियोस के अंदर स्पीड हुआ उस वीडियोस के अंदर कोई भी आवाज़ मतलब ऐड नहीं होगा, एकदम म्यूट होगा। तो इसको ऑफ करके आप लोग क्या कर सकते हो, कीप पिच पे क्लिक कर सकते हो, अगर आप लोग कीप पिच के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वीडियोस के ऊपर वो जो बच्चे का आवाज़ होता है मतलब वो नहीं होगा, मतलब आप लोग अगर स्पीड कर दिया तो आपका वीडियोस के ऊपर जल्दी में वॉइस होगा ना, तो उसको ये एडजस्ट कर लेता है, तो आपको इसको ऑन कर देना, ठीक है। तो देन आप लोग को क्या करने का, सबसे पहले देख सकते हो नीचे देख सकते हो रिवर्स, अगर आप लोग रिवर्स पे क्लिक करोगे तो आपका जो वीडियो से उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये में एकदम सिंपल सा चीज़ है तो ये आपको समझना नहीं चाहिए। देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पैन एंड जूम, अगर आप लोग पैन एंड जूम को समझना चाहते हो तो आप लोग क्या करना, यहाँ पे पैन एंड जूम पे जाना, मान लो यहाँ पे मैंने कट लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रिम किया, देन इस पार्ट को मैं जूम करूँगा, तो मैं यहाँ पे पैन एंड जूम पे जाया, एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं हाथ से इसको जूम कर सकता हूँ, देखो मैंने जूम कर दिया, देन देख सकते हो इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका जो पार्ट होगा ना, मतलब शुरू से लेके एंड तक आपका वही साइज रहेगा। अगर आप क्या किया, ठीक है, अगर आप मान लो इस पार्ट को रुके एक सेकेंड, अगर आप क्या किया, पैन एंड जूम पे जाके इसको आप बढ़ा दिया लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं किया, ये आप लोग मतलब इसके ऊपर क्लिक नहीं किया तो आपका वीडियो लाइक ऐसे देखने में लगेगा, तो आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड, तो देख सकते हो आपका वीडियो कुछ ऐसे जूम होते रहता है, मतलब कम होगा, ओके, एकदम सिंपल सा चीज़ वो पैन एंड जूम, जो कि आपको समझ में आ गया। एंड आपका भाई आप लोगों को ऐसे समझाता है, आप लोगों को कभी भूलना भाई इम्पॉसिबल, आपका भाई आपको ऐसे समझाएगा आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ओके। सो देन आपको क्या करने होगा, नीचे देखो और एक ऑप्शन रोटेट, ठीक है, मिररिंग, सो ये तो आपको पता है, ये अगर क्लिक करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये समझना एकदम सिंपल सा चीज़ है, ये बच्चा भी जानता है, सो देख सकते हो ये उल्टा हो गया, ठीक है, सो ये सब समझाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा। सो उसके बाद आप लोग देख सकते हो नीचे लिखा है फिल्टर,
सो अगर आपका वीडियोस के अंदर क्वालिटी अच्छा नहीं है, आप चाहते हो मेरा वीडियोस के अंदर मैं फिल्टर ऐड करो, क्योंकि गाइस आप सभी लोगों को पता है फिल्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है अपने वीडियो के अंदर, क्योंकि फिल्टर से आपका वीडियोस का क्वालिटी बढ़ता है। देखना गाइस इंस्टाग्राम पे जो नाचने वाला होता है ना लड़की वर्की, सारे लड़के गाइस फिल्टर यूज़ करता है, उसका मुंह को स्मूथ बनाता है, मतलब लाइक ऐसे हमारा फिल्टर को यूज़ करना चाहिए हमारे वीडियोज़ के अंदर, नहीं तो गाइस घटिया लगेगा। तो हम यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते बहुत सारे फिल्टर है, आप यहाँ पे वाइट भी कर सकते हो वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो मान लो गाइस मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया, ठीक है देख सकते हो वाइट हो गया, तो यहाँ पे मैं इस कलर को कर दिया, ओके सो ये वाला कलर मैंने कर दिया। तो आप इसको कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो, सिंपल सा फंडा है, तो ये आपको समझना गाइस एकदम नॉर्मल सा चीज़ है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो नीचे एक लिखा है एडजस्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक किया तो देख सकते हो पहले है ब्राइटनेस, अगर आप लोग इसको हाई कर दोगे तो आपका ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर आप लोग लो करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मिनिमम रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे कॉन्ट्रास्ट, तो अगर आप लोग इसे बढ़ाओगे तो आपका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा, तो ये सब आप लोग कभी भी नहीं करना देगा, नहीं तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। उसके बाद देखो सैचुरेशन, अगर आप लोग सैचुरेशन को बढ़ाओगे तो आपका वीडियो देखो पूरा मक्खन जैसे लगेगा, ठीक है एकदम सिंपल। उसके बाद भाई ब्राइट को आप लोग बढ़ाओगे तो आपका वीडियो देख सकते हो पूरा एकदम लाल टेल हल्टी हो जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग इसको बढ़ाओ। तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, रुको एक सेकंड, ये देखो पूरा लैग कर रहा है मोबाइल, मतलब बहुत पुराना मोबाइल है ना मेरा, 3-4 साल हो गया मेरा ये 3GB रैम वाला फ़ोन वीवो U10। एंड गाइस टेम्परेचर को ये सब देखो टेम्परेचर है गाइस, ये सब आप लोग सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख सकते हो ये कलरिंग वाला लिंक के लिए टेम्परेचर को। एंड हाईलाइट देख सकते हो, ये हाईलाइट इंक्रीज कर सकते हो कम भी कर सकते हो। देन ये शेडो, अगर आप लोगों का नहीं है तो आप शेडो भी बढ़ा सकते हो, शेडो भी कम कर सकते हो, तो आप लोग देख सकते हो नीचे है गेन को आप लोग बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। तो उसके बाद और है, मैं ये सब लोगों को समझना एकदम नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ये चीज़ आप लोगों को पहले समझना चाहिए अगर आप लोग काइन मशीन यूज़ कर रहे हो। तो देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे लिखा है फिर से हमारा ग्राफिक्स, ओके तो ग्राफिक्स में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो ये जो पार्ट है ठीक है, इसके अंदर मेरे को कुछ एनिमेशन कुछ ग्राफिक्स ऐड करनी है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक किया, देन इसके ऊपर क्लिक किया, देखो गाइस कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखो देखा मतलब गाइस आप लोग सोचे कूल लग रहा है, देखो ओ भाई ये देखो गाइस हमारा वीडियो प्रोफेशनल तरीके से मतलब इंट्रो शुरू हुआ। तो आपको ग्राफिक्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे विगनेट को आप लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हो, अगर आपको इसको ऑन किया तो देख सो साइड में आपका डार्क डार्क हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता आपको इसको ऑन करो, ये आप ऑन भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पे कॉल कर दिया ने दीदा था, दीदी ने मेरे को कॉल कर दिया था। देन आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो नीचे लिखा है वॉल्यूम, ठीक है वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना। देन आप लोग क्या कर सकते हो अपने वीडियोस का मतलब वॉल्यूम को इधर बढ़ा सकते हो, देख सकते हो नीचे से लेके लास्ट तक आपका वीडियोस का वॉल्यूम लाउड होगा, ठीक है अगर कम कर दिया तो शुरू से लेके लास्ट तक जाने में आपका वॉइस मतलब शुरू में जोर जोर से होगा, धीरे 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 नीचे मतलब ग्राफ नीचे आएगा, मतलब वॉल्यूम नीचे आएगा, एकदम सिंपल से बन रहा है। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये मैं नॉर्मली रहने देता हूँ। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो नीचे लिखा है हमारा सबसे पहला जो EQ, ठीक है EQ पे क्लिक करना। देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे वॉइस है हमारा, रेडियो का वॉइस, हमारा हिप हॉप का वॉइस, हमारा जस का वॉइस, हमारा नेचुरल का वॉइस, हमारा पॉप का वॉइस, हमारा R&B का वॉइस, हमारा रॉक का वॉइस। तो ये आप लोग आपके मन से सबसे लगा सकते हो, ये मैं नहीं दिखाऊंगा कैसे क्या करना है, ये एकदम नॉर्मल सा चीज़ है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो रिवर्प आप लोग, भाई ये मैं नहीं बताऊंगा ठीक है, ये आप लोग खुद ही चेक करना गाइस, ये एकदम नॉर्मल सा चीज़ है। एंड गाइस उसके बाद आप लोग देख सकते हो नीचे लिखा है वॉइस चेंजर, अगर आप लोग वॉइस चेंजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा वॉइस मिल जाएगा, बच्चे के वॉइस लेके बूढ़े तक वॉइस सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो, देखो गाइस अगर आप चाहते हो आपका जो वीडियो है उसका वॉइस आप लोग अलग से करना चाहते हो ठीक है, तो आप लोग क्या करें एक्सट्रैक्ट वॉइस पे क्लिक कर देना, तो देख सकते हो आपका इस वीडियो का वॉइस का मतलब वॉइस एकदम म्यूट हो गया, देन ये वाला वॉइस यहाँ पे नीचे आ गया, तो आप लोग मतलब लेयर पे आ चुका है, एकदम सिंपल सा फंडा, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं डिलीट कर दिया, देन यहाँ पे जाके मैं इसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। सो इसके बाद आप लोग देख सकते हो नीचे आ चुका हूँ, नीचे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ट्रांसकोड है देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये कुछ भी मेरे को आता पता नहीं है। तो देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग अपना वीडियो का साइज़ भी देख सकते हो कितना साइज बन चुका है, मतलब 216 MB रहेगा मेरा 720 पे। देन ये सब मैं सिखाऊंगा नहीं, तो देख सकते हो यहाँ पे सारे कैसे सेटिंग्स में आपको सिखा दिया, अभी गाइस आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक वीडियो एडिट कर सकते हो, ओके। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो ये वाला पार्ट मैंने डिलीट कर दिया,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे लेयर पे जाके मीडिया पे जाके आप लोग यहाँ पे बहुत सारा फोटोज ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे जाके आप लोग इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो एंड इधर जाके आप लोग देख सकते हो स्टिकर से एंड टेक्स्ट है एंड इधर देख सकते हो हमारा हैंड राइटिंग है एंड ऑडियो है माइक है उसके बाद बहुत कुछ है ठीक है। तो अभी मैं आपको एडिट करना सिखाता हूँ। सो मान लो गाइज यहाँ पे मैंने गाइज वीडियो मान लो हाँ मैं मान लो यहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इधर आऊँगा देन केची पे क्लिक करके लिफ्ट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया देन इधर से शुरू होकर मेरा वीडियो अच्छा है चल रहा है ठीक है बहुत बढ़िया हाँ अच्छा ठीक है ओके उसके बाद हाँ यहाँ पे हो चुका है हमारा इस भैया का बात बोलना ख़त्म। तो हम क्या करेंगे इधर क्लिक करके स्प्लिट में क्लिक करेंगे तो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। फिर जहाँ पे मैंने शुरू किया हाँ चाहिए से शुरू किया मैंने तो यहाँ पे मैंने इसको साइड से ट्रिम आउट कर देंगे लिफ्ट वाला ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वीडियोस मैं ट्रिम आउट कर दिया तो यहाँ पे भी ट्रिम आउट कर देता हूँ रुको एक सेकेंड यहाँ पे मैं ट्रिम आउट कर देता हूँ ओके देन इसको मैं डिलीट कर दिया। देख सकते हमारा वीडियो प्रोफेशनल तरीके से मैं ट्रिम कर चुका हूँ देन इधर से जाके मैं ये से जाके राइट वाला हटा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मेरा वीडियो ट्रिम हो चुका है एंड मैं आपको अगर प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा तो वीडियो 2-3 घंटे बन जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो एकदम मतलब सिंपल सा चीज़ से आप लोग समझना तो मैं इस वीडियो के ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा कैसे काइन मास्टर को प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाता है तो आपको मैं सिखा दूंगा। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे यूट्यूब वीडियो सिखाना मतलब बनाना है। तो रिसेंटली आप लोगों को मैं थंबनेल बनाना सब कुछ सिखा दिया एंड मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा मेरा जो वीडियोस के अंदर देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे पार्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को जो देख सकते हो यहाँ पे मैं चालू किया तो यहाँ पे ख़त्म होने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ इफेक्ट ऐड हो तो मैं क्या करूँगा प्लस पे क्लिक करूँगा देन देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट है। तो यहाँ पे मैं इस वाला इफेक्ट पे क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल से गाइस चेंज होगा ठीक है। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो जितना जल्दी करोगे तो उतना जल्दी में ये चेंज होगा देख सकते हो ये देखो वाओ कितना अमेजिंग लग रहा है। तो मैं सारे के सारे यहाँ पे कर देता हूँ फटाक से एंड इसको मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ देन यहाँ पे भी जाके हम कर देते हैं फटाक से। तो आपको ये चीज़ करना चाहिए तो आपका वीडियो प्रोफेशनल देखने में लगेगा। तो देखो हमारा यहाँ पे सब कुछ काम खत्म देन अभी मेरे को क्या करनी होगी अभी मेरे को इस वीडियो के नीचे म्यूज़िक ऐड करनी होगी ठीक है। तो म्यूज़िक कैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑडियो का बटन इसके ऊपर क्लिक किया देन आप लोग देख सकते हो आपका हिसाब से आप ढूंढ सकते हो कौन सा ऑडियो आप लगाओगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरे पास एक ऑडियो है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया देन यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑडियो यहाँ पे आ चुका है। तो हम क्या करेंगे देख सकते हो मेरा वीडियो इसका वॉइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा 150 तक रख दूंगा देन क्या करूँगा ये जो नीचे वाला जो बैकग्राउंड साउंड होगा ना इसको मैं क्या करूँगा 20-30% रख दूंगा ताकि हमारा वॉइस प्रॉपर तरीके से हमारा ऑडियंस के पास जाए और बैकग्राउंड में जो धीरे धीरे बजे ताकि हमारा जो बैकग्राउंड मतलब आसपास जो आवाज़ हो रहा है वो वीडियो इसके अंदर ना आए मतलब एक म्यूज़िक उसको कंट्रोल कर लेगा। तो देख सकते हो म्यूज़िक मैंने यहाँ पे लगा लिया देन मेरे को अभी क्या करनी होगी यहाँ पे मेरे को भाई ने बोला कैसे तुमने मेरे को एक थंबनेल बनाना सिखाया ठीक है यहाँ पे थंबनेल। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरे को थंबनेल यहाँ पे शो करना होगा क्योंकि भाई ने मेरे को बोला सुबह भाई तुमने मेरे को थंबनेल बनाना सिखाया तुमने मेरे को चैनल बनाना सिखाया बच्चे ने मेरे को बोल रहा है ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस बच्चे ने मेरे को बोला कि तुमने मेरे को एक यूट्यूब चैनल बनाना सिखाया तो मैं क्या करूँगा अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करूँगा जहाँ पे इस बंदे ने यूट्यूब चैनल का वर्ड बोला वहाँ पे जाके लेयर पे जाके देन मीडिया पे जाके उस वाला थंबनेल को ऐड कर दूँगा ताकि हमारे वीडियोज़ देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे ठीक है। सो यहाँ पे हमारे भाई ने बोला है तुमने मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना सिखाया तो यहाँ से बोला तो हम क्या करेंगे इसको मैं छोटा कर दूंगा ठीक है ऐसे यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग आउट कर देंगे तो छोटा हो जाएगा देन इसको मैं बीच में लाऊंगा देन आप लोग देख सकते हो हमारा वीडियोस यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर तरीके आ चुके ओके देख सकते हो आ चुका है। देन आपको क्या करनी होगी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग एनिमेशन लगा सकते हो यहाँ पे पॉप पे जाके अगर पॉप को ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो एकदम पॉप जैसा आवाज देखो पॉप पटक करके पॉप होगा ठीक है। एंड गाइस आप लोग सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे मेरे को एक साउंड ऐड करनी होगी तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देन यहाँ पे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा देन म्यूजिक ऑडियो पे सिलेक्ट किया देन मेरे पास एक साउंड है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ माउस क्लिक वाला देन देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो चुका है जो कि गाइस हमारा फोटो यहाँ पे पटक से आएगा साउंड भी होगा पटक करके ठीक है। तो यहाँ पे भाई ने ये वाला चीज़ मेरे को बोला तो ऐसे ऐसे करके आप लोग अपने लेयर के हिसाब से लगा सकते हो मतलब अगर आप लोग वीडियो के अंदर बोला या इस ऐप को डाउनलोड करो या पे ऐप का लोगो लगा दिया लाइक सिंपल चीज़ है। तो आप लोग देख सकते हो ऐसे करके आप लोग लेयर से आप लोग कोई भी फोटोज़ वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताकि अपने ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट ज़्यादा रहे। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन है जो कि आपको खुद ट्राई करना होगा। ये मैं नहीं बताऊँगा। क्रॉप का ऑप्शन है, अगर मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे क्रॉप क्रॉप सब कुछ कर सकते हो आप। एंड ओके, देख फिल्टर भी एडजस्ट ये सब सिखा दिया। अल्फा को सिखा दे तो अल्फा क्या चीज़ है, अल्फा अगर कम करोगे तो ये देख सकते हो अल्फा मतलब ऑपेसिटी कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा करोगे तो ऑपेसिटी सेम वैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लेंडिंग में आपको देख सकते हो ओवरले मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपको नहीं करना, ये सब एक गेमिंग वीडियोज़ के लिए काम आता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो क्रोमा की, अगर आप लोग क्रोमा पी की में क्लिक करोगे तो ये आपको ग्रीन स्क्रीन के लिए काम आता है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ गाइस, आप लोग जाओ यार मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, जाओ चेक करो, देखो आप लोगों को फ्री में यूट्यूब का नॉलेज मिल रहा है, आप लोग जाओ यार देखो। एंड उसके बाद देख सकते हो यहाँ हमारा काम पूरा खत्म हो चुका है। एंड अभी एक चीज़ बाकी था गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमारा कैची के बगल में स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे देन देख सकते हो इसको ऑफ पर मैंने रखा, तो अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका वीडियो एकदम आपके वीडियोज़ का साइज़ के हिसाब से आपका थंबनेल प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट किया तो देख सकते हो पटक से हमारा फुल स्क्रीन आ चुका है। तो ये आप मैं ऑफ कर देता हूँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो देन मेरे को ये वाला काम खत्म हो चुका है, तो अभी मैं चाहता हूँ, ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ मेरा वीडियोज़ के अंदर मैं कोई भी इमोजी ऐड करूँ। तो कैसे ऐड करूँ, तो मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, देख सकते स्टिकर से इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लासिक स्टिकर से, तो यहाँ पे जाकर मैं कुछ इमोजीज वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर लगा सकता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ड्रैग आउट करके यहाँ पे लगा सकता हूँ। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ तक लगाऊंगा उसके साइड से मैं इस पर क्लिक करके ट्रिम आउट कर देंगे, ताकि गाइस देखने में गाइस और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगे, देखो पटक से आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे इमोजी लगा सकते हो। तो उसके बाद आप लोग लेयर पे क्लिक करना, तो लेयर पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग चाहते हो नहीं आपका वीडियोस के अंदर तुमने बोला इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर जाऊँगा टेक्स्ट पे जाऊँगा एंड लिखूँगा वीडियो को लाइक करो, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिया, लाइक, ओके सॉरी लाइक। सो यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ चुका है। देन यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत कुछ आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग अगर टेक्स्ट को स्टाइल करना चाहते हो तो आपको फॉन्ट पे क्लिक करना, फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग बहुत सारा टेक्स्ट मिल जाएगा। मान लो मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट किया, देन आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग एनिमेशन लाइक आपको पहले बता चुका था वो वाला चीज़ों में थंबनेल के ऊपर थंबनेल मतलब पटक से आया था वो वाला सिखा दिया, पॉप के ऊपर सिलेक्ट करना, देन इसको हाई पे क्लिक करना, देन आप लोग देख सकते हो आपका जो यहाँ पे जो वर्ड है ना पटक से आएगा, देखो पटक से आ गया, देखा। तो रुको इसको मैं छोटा कर लेता हूँ लाइक, हाँ ओके। देन इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो कलर्स भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर मान लो रेड वाला कलर लिया, ओके। तो देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अल्फा को मैं बता चुका हूँ एंड रोटेशन को बता चुका हूँ, ब्लेंडिंग को बता चुका हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आउटलाइन के ऊपर कैसे अगर आप लोग इसको ऑन कर दो, देखो आपका साइड के अंदर मतलब टेक्स्ट का जो साइज़ है ना साइड से आप लोगों को कुछ ब्लैक कलर का मतलब कुछ ब्लैक कलर का देखो देखो ब्लैक ब्लैक आ गया, मतलब गाइस आपका जो टेक्स्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने में प्रोफेशनल लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे जाके कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख मैंने इस वाला कलर को लिया, तो यहाँ पे ब्लैक ही रहना देता हूँ, ओके। देन बैक करता हूँ, तो यहाँ पे शैडो, अगर आप लोग शैडो को ऑन करोगे तो आपका जो टेक्स्ट के बीच शैडो ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर ग्लो पे ऑन करोगे तो आपका वीडियो का ग्लो आ जाएगा। ग्लो पे जाके आप लोग इसको हाई ज़्यादा कर सकते हो। तो देखो ग्लो साइड से ग्लो टेक्स्ट के पीछे ग्लो आ रहा है, देखा आप लोगों ने, देखा हाँ ग्लो, ओके। तो एकदम सिंपल सा चीज़ है, आप लोग ऐसे करके टेक्स्ट लगा सकते हो अपने वीडियोस के ऊपर जहाँ पे आप लोग बोला हाँ लाइक करो, तो आप लोग वहाँ पे लगा सकते हो। देन लेयर पे क्लिक करना, तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे कुछ समझा रहे हो अपने बंदे को मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर कुछ समझा रहे हो, तो आप लोग लेयर पे क्लिक करना, तो हैंड राइटिंग पे क्लिक करना, देन यहाँ पे क्लिक करना, देख सकते हो। देन आपको क्या करनी होगी, पेंसिल के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे मैं ये पे गोल वाला सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे क्लिक किया, देन इसको मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हो गोल हो गया, देखा ऐसे करके ड्रैग करके। तो मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ भूत दिखाया, तो इसको जो छोटा करके मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे लगा दूंगा तो बंदे को पता चल जाएगा हाँ उधर भूत है। तो ऐसे करके हमारा हैंड राइटिंग काम करता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया, तो देन आपको क्या करनी है कि यहाँ पे सब कुछ मैंने कर लिया मतलब सारा काम खत्म हमारा, टेक्स्ट वेक्स्ट हैंड राइटिंग स्टिकर हमारा फोटो मतलब मीडिया से लेयर लगाना सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। तो अभी मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे एंड स्क्रीन लगा के वीडियो को सेव करना होगा ताकि हमारे वीडियो प्रॉपर तरीके बने। एंड अगर आप चाहते हो नहीं मैंने यहाँ पे कुछ अपने वॉइस को ऐड करूँगा, तो आप क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करना, देन आप यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे तो आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो जाए। मान लो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो गया, देख सकते हो यहाँ पे ऊपर ऊपर फ्लॉप हो रहा है।
तो यहाँ पे देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग का साउंड यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, सब सिंपल सा फंडा, एकदम सिंपल सा चीज़ जो कि हमने वीडियोज़ के अंदर सिखाया था कैसे साउंड बाउंड कमाना। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना, मान लो मैंने यहाँ से हाँ बोलना शुरू किया तो मैं इधर नीचे जाऊँगा, इधर ट्रिम आउट करके साइड पर कट कर दूँगा, देन इसको मैं यहाँ से शुरू किया हाँ इधर लगा दिया, एकदम प्रोफेशनल से एडजस्ट कर लेना आप लोग। उसके बाद आप लोग क्या करना, देख सकते हो यह बहुत सारे ऑप्शन है जो कि मैं सबसे पहले आपको बता चुका था सारे के सारे साउंड्स के बारे में, तो ये सब मैं नहीं बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक बोला ओके, तो इसके ऊपर क्लिक करके इधर आके इसके ऊपर आके मैंने इसको ट्रिम राइट कर देता हूँ ओके। सो यहाँ पे मतलब मेरा म्यूजिक बजने से मेरा यहाँ पे वॉइस भी होने लग जाएगा, फिर यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है ओके। तो अभी मेरे को क्या करनी होगी, सबसे पहले हमको क्या करनी होगी, यहाँ पे एक एंड स्क्रीन लगाऊंगा, देन हमारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब वीडियोस। तो यहाँ पे एंड पे क्लिक किया, देन मेरे पास दो चार टेम्पलेट है, तो मैं एग्जांपल के लिए ये वाला ले लिया। देन आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ पे हमारा एंड स्क्रीन आ चुका है, यहाँ पे मेरा वॉइस को यहाँ पे मतलब नीचे जो म्यूजिक है ठीक है, तो यहाँ पे मेरा म्यूजिक तो मान लो यहाँ पे कम है, तो रुके एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ट्रिम मतलब स्प्लिट किया, देन सामने वाला जो म्यूजिक है इसको मैं मान लो यहाँ पे 20 था, इसको 20 पे रखा, देन क्या हुआ गाइस, यहाँ पे हम इस वॉइस को हम क्या करेंगे ज़्यादा कर देंगे मतलब म्यूज़िक को। तो यहाँ पे हमारा वीडियो चलने के बाद में ख़त्म होने के बाद हमारे यहाँ पे जो एंड स्क्रीन आएगा वो एकदम ज़ोर से इसका म्यूज़िक बजने लगेगा। तो ऐसे करके आप लोग एडिट करना, तो एडिट करना मैं आप लोगों को सिखा दिया एकदम प्रोफेशनल तरीके से। देन आपको क्या करना होगा, अभी इसको एक्सपोर्ट करना मतलब इसको अभी सेव करना होगा। तो आप लोग इस वाला ऊपर देख सको ये वाला बटन, इसके ऊपर क्लिक करना, देन आप लोग सेव एनओएक पे के ऊपर क्लिक करना, देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1080p 720p 144p है 40p है। तो आप लोग क्या करना, 1080p सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं 1080p सिलेक्ट कर दिया। तो अभी इसको आप लोग कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हो MB दिखा रहा है, 97 MB लगेगा। तो अगर आप लोग सेव है वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो गाइज इतना ही था गाइज, एकदम सिंपल सा चीज़, और ये मैं आपको एकदम पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर आप लोग चाहते हो नहीं आपको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर बाद में एक अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से एक वीडियोस मेक करके दे दूँगा का इन्वेस्टर का एकदम का इन्वेस्टर ट्यूटोरियल का दे दूँगा। आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दो, देन आप लोग से यहाँ पे सेव होने के बाद आप लोग क्या करना, काइनमास्टर को क्लोज कर देना। यार गाइस मेरा हाथ पर लग गया यार, मतलब हमारे भाई अब तो गजब कर दिया, गजब मेरा पूरा एकदम सीख गया हूँ कैसे एडिट वगैरह करता है। अबे मूवी तो मैं एडिट करके एकदम दुनिया पलट दूंगा। अरे भाई गाइस देखो हमने ईशान भाई को सिखाया और अभी मेरे को बोल रहा है ये मूवी वगैरह एडिट करके एकदम। थैंक यू। अरे नहीं थैंक यू नहीं गाइस, ये सिर्फ आप सभी लोगों को मैं सिखाने के लिए वो आया था इधर, लेकिन हमारा ईशान भाई मेरे को धक्का मार के मेरे को बोला कैसे एडिट करना है, तो हमने ईशान भाई को सिखा दिया प्लस आप सभी लोगों को सिखा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना गाइस, हमारे ईशान के नाम से एक सब्सक्राइब करना ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलेगा नेक्स्ट कोई क्या वीडियो पे, बाय बाय गाइस, एंड जाओ यार ठंडे में गाइस अपने लैब के अंदर घुस के यार वीडियोस देखो मेरा, जाओ फटाक से एंड प्ले लिस्ट जल्दी से चेक करना, बाय बाय।